अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू का खोरमा ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी सिखा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आलू का खोरमा बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल एक पैन में गरम कर लें। यहाँ मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू का स्किन मैंने अच्छे से निकाल दिया है। आलू को अच्छे से धो के इसे मीडियम साइज पीसेस में कट करके रख लें। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। आलू को हाई फ्लेम पे फ्राई करें। इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करते रहिए। आलू हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और आलू को एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। चलिए अब हम इस रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर बढ़ते हैं। अब हमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करना होगा, यानी पीसना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ वो इंग्रेडिएंट्स। देखिए, 30 ग्राम सूखा हुआ नारियल, इसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है यानि भून लिया है। 10 काजू, 3 लौंग और थोड़ी सी जावित्री। जावित्री ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे कोरमे में। 2 इलायची और 2 छोटे दालचीनी के पीसेस। एक बड़े साइज की प्याज को मैंने हल्का सा डीप फ्राई करके रख लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम 100 ग्राम दही के साथ पीस लेते हैं। ग्राइंड किया हुआ पेस्ट अब तैयार है। कढ़ाही में हम 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेते हैं और साथ ही 1 टेबलस्पून घी भी। तेल और घी गरम हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसे अच्छे से भूनिए, इसकी रॉ स्मेल जाने तक इसे भूनते रहिए। फ्लेम को हाई पे ही रखिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ। इसे भी एक 10 से 20 सेकेंड तक अच्छे से सॉटे कर लें। नेक्स्ट हम इसमें 2 मीडियम साइज पिसे हुए टमाटर डाल देते हैं। कोरमे में थोड़े लोग टमाटर डालते हैं और थोड़े लोग इसे नहीं डालते। मैं अक्सर डालती हूँ, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेम को हाई पे रखिए और टमाटर की जो कच्ची बू है वो जाने तक इसे अच्छे से भूनते रहिए। टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, अब फ्लेम को लो कर दें। अब हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देते हैं, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हल्दी आधा टीस्पून, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अगर आपको ज्यादा तीखापन नहीं पसंद तो आप मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसे अच्छे से भून लें, थोड़ा सा पानी डाल के भूनिए। इसे हम 31 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें पिसा हुआ पेस्ट डाल देते हैं। पिसा हुआ पेस्ट डालने के बाद इसे भी अच्छे से भून लें। फ्लेम को हाई पे कर दीजिए। हाई फ्लेम पे इसे ऐसे ही भूनते रहिए। इसमें तेल साइड्स में नजर आने तक इसे भूनिए। तेल जब साइड्स में नजर आएगा उसका मतलब ये है कि मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। देखिए, तेल साइड्स में नजर आ रहा है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देते हैं। आलू डालने के बाद आलू को भी इन मसालों के साथ भून लेते हैं। फ्लेम को हाई पे ही रखिए। आलू को मैंने हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, बस एक आधा कप। फ्लेम को हाई कर दें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए हम फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे आलू को इन मसालों में पकने देंगे ताकि मसाले अच्छे से आलू के अंदर तक एंटर हो जाएं। थोड़ा सा नमक भी डाल दें ताकि नमक आलू के अंदर अच्छे से एंटर हो जाए। इसे भी मिक्स कर लें। पांच मिनट हो चुके हैं, मसालों का टेस्ट आलू में अच्छे से एंटर हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी इतना डालिए जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी कम डालिए, अगर आपको पतली यानी थिन ग्रेवी चाहिए तो पानी ज्यादा डालिए।
मैंने यहाँ इस कप से 1.5 कप डाला है। फ्लेम को हाई कर दें और इसे अब हम पकने देते हैं। इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देते हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते और आधा टीस्पून नींबू का जूस। इसे भी मिक्स कर लें। अगर आपको खटास ज्यादा पसंद नहीं तो आप नींबू का जूस मत डालिए। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए हम फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक आलू गल जाता है। इस पे लिड बंद कर दें। बीच बीच में आप चेक करते रहिए। जब आलू गल जाएगा फ्लेम को बंद कर दें। 10 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। देखिए आलू का कोरमा कितना टेस्टी लग रहा है। आप लोग जरूर बनाएं, बहुत ही मजेदार बनता है। देखिए कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। अगर आपको मेरी आलू का कोरमा की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, तभी आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री है। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।